एनएएससी देखते हैं, ठीक है। एनएएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड, ठीक है। अब देखिए ये कोड इस्तेमाल होते हैं फॉर सेफ्टी, फॉर आप कह रहे हैं फॉर सेफ इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन कह दें एंड मेंटेनेंस, ठीक है। हमारे पास तीन ऑप्शन काम होते हैं, आप ऑपरेशन करते हैं, देखिए कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। तो एनएएससी इस्तेमाल होते हैं फॉर सेफ इंस्टॉलेशन। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज है वो इंस्टॉल होती है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जब उसको चलाते हैं तो उसको ऑपरेशन कहते हैं, इसी तरह जब उसमें कोई मसला आ जाता है तो उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं फॉर सेफ इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड कम्युनिकेशन यूटिलिटी सिस्टम। देखें इलेक्ट्रिकल पावर एंड कम्युनिकेशन यूटिलिटी सिस्टम्स में आपको पता होगा, जैसे देखिए इसमें आपके पास आ जाता है पावर सबस्टेशन, ये वाली इसकी सब कैटेगरीज होंगे इलेक्ट्रिकल पावर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन यूटिलिटीज के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन आ गए, इसी तरह पावर एंड कम्युनिकेशन और हेडलाइंस, इसको सही में भी लिखते होते हैं कई दफा, ये ना। और इसके अलावा पावर अंडरग्राउंड लाइंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पावर बाकी वाला ऊपर वाला काफी कर लेता हूं, पावर कम्युनिकेशन जो अंडरग्राउंड लाइंस के अंदर होती है। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, पब्लिश बाय ये पब्लिश्ड किया है IEEE ने, क्या IEEE का आपको पता ही होगा इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें, और इसके अलावा आपको सारी जो है ना वो याद होने चाहिए, मतलब एब्रीवेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लें, और हमारे प्ले लिस्ट बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है उनको भी आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।